नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गुज्जर भडिया गांव के स्कूल के परिसर में लगी महात्मा गांधी की एक प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने की बुधवार को खबर आई। जांच के बाद पुलिस ने बताया कि स्कूल परिसर में मौजूद बंदरों ने गांधी प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया। मंदसौर के SP सिद्धार्थ चौधरी ने कहा, किसी को भी स्कूल के अंदर जाते हुए नहीं देखा गया। स्कूल का चौकीदार भी रात 8 बजे तक ड्यूटी पर था। इससे पहले भी एक ऐसी ही घटना सामने आई थी जहां बंदरों ने मूर्ति का हाथ तोड़ा, बाद में उसकी मरम्मत की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि इस बात की संभावना है कि बंदर ने प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया हो। इसको लेकर एक मामला दर्ज किया गया है और अन्य बिंदुओं को भी जांच करी जा रही है। अफजलपुर पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। वहीं कांग्रेस नेता दीपक सिंह चौहान ने कहा कि राष्ट्रपिता की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाना बड़ा अपराध है। चौहान ने कहा, मंदसौर SP कह रहे हैं कि बंदरों ने मूर्ति के साथ बर्बरता की है, क्या वह भाजपा के बंदर का जिक्र कर रहे हैं? रिपोर्ट IPN।